मूवी स्टार्ट होती है और हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्रिसमस नाइट पर शॉपिंग कर अपने घर पर जा रही थी। अपने सारे सामान को कार में रख रही थी तभी पीछे से एक कार बहुत ही फास्टली आती है और उसके कार के डोर को पूरी तरीके से तोड़ देती है। डोर डायरेक्टली कार से जुटकर अलग हो गया था। केली इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गई थी। जिसने उसके डोर को तोड़ा था उसकी तरफ वो गुस्से से देखने लग जाती है। दूसरे कार से बेन नाम का एक लड़का बाहर निकलता है, उसे सॉरी कहता है और केली के पास आता है। वो देखता है कि कार का डोर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। केली उसे चिल्लाकर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कहती है। जब बेन ने अपने इंश्योरेंस के पेपर चेक किए तो रियलाइज करता है कि उसका इंश्योरेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। केली इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और डिसाइड करती है कि कार को अब वो टो करवा कर यहाँ से लेकर जाएगी। वो टो करने वाली कंपनी को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसे 10 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बंद हो चुका है, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी थी। वो बहुत टेंशन में वहां पर खड़ी थी और बेन उसे दिलासा दे रहा था। अब बेन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज उसे पूछता है। उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये केली ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे पूछती है कि तुम्हारे माइंड में आइडिया कैसे आया। बेन कहता है कि तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है, इसे ठीक करने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं पूछ रहा था। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते थे कि बेन केली को लाइक करने लग गया था। इसके बाद हम दोनों को स्माइल करता हुआ देखते हैं। केली भी ये सब कुछ बात समझ गई थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्माइल करते हैं और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये जो सीन था ये फ्लैशबैक में चल रहा था। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, उनके अब बच्चे भी थे। पास्ट में वो दोनों कैसे मिले थे इसके बारे में मूवी हमें बता रही थी। बेन एक डेंटिस्ट था और अपने पर्सनल क्लिनिक में वो काम करता है। केली एक जॉब करती थी और उनके दो बच्चे थे, लड़की का नाम था रॉय और लड़की का नाम था ग्वेन। अब हम उनकी मैरिड लाइफ देखते हैं। उनकी उतनी ज्यादा अच्छे से चल नहीं रही थी, दोनों की काफी बातें मैच नहीं होती, दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप की स्टार्ट जैसे की थी अब वैसे ही उनकी मैरिड लाइफ भी चल रही थी। रात में बेन केली से कुछ भी बहाना बनाता है, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए निकल जाता है। केली भी तभी अपने जॉब से घर पर आई थी, उसे खाना बनाने का कुछ भी मन नहीं था, घर पर कुछ भी खाना भी नहीं था। बेन अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए चला जाता है और वहां पर बहुत ही अच्छा खाना खाता है। केली अपना पुराना ही खाना खा लेती है जो उसे पसंद नहीं आता। वहीं पर बेन देखता है कि एक जगह पर कुकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसका विनिंग प्राइज काफी अच्छा था और अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। बेन रात को बहुत लेट घर पर पहुंचा। केली बेड पर लेटी हुई थी और वो अभी भी जगी हुई है। बेन केली के पास आता है, उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। केली कहती कि अभी मैं बहुत ही थकी हुई हूँ। बेन बात को वही बंद कर सोने जाने लगता है। तभी केली गुस्से में उठती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही, कभी तुम कुछ सुनना नहीं चाहते तो कभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, ऐसी चीजें बिगड़ने लगेगी। ये बात बेन भी रियलाइज करता है। इसके बाद वो केली को कल डिनर डेट के लिए लेकर जाने वाला था, इनसे उन दोनों का मूड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे दोनों डिनर के लिए आते हैं, वहाँ पर उन्होंने पहले ही बुकिंग की थी। वहाँ सेम टेबल पर केली की फ्रेंड मैरी और उसका हस्बैंड साथ ही आते हैं। मैरी और उसका हस्बैंड एक दूसरे के प्यार में बहुत ही डीप थे, वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये बात दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों का मैरिज बहुत ही अच्छा चल रहा था। ये सब देख कर केली उन्हें अपने मैरिज के बारे में बताती है कि उनमें जरा प्रॉब्लम चल रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि हमारे मैरिज को फिक्स करने के लिए हमें हेल्प करो। इसके बाद मैरी का हस्बैंड उन्हें कार्ड देता है, इस पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था। वो कहता है कि एक कंपनी है जो मैरिज प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से डील करती है, उन्हें बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देती है। इनके हेल्प से हस्बैंड वाइफ अपने लव को एक तरीके से रिसेट कर सकते हैं। इस बात से केली बहुत एक्साइटेड हो गई थी। बेन पहले तो इस बात के बारे में सुनकर बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसे एक पिरामिड स्कीम लग रही थी। केली उसे कहती है कि जिस तरीके से मैरी का हस्बैंड उसे देखता है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे वैसे ही देखो, आजकल तुम कभी भी मुझे वैसा नहीं देखते। इसके बाद बेन केली को मनाने के लिए इक्विलिब्रियम जाने का डिसाइड कर लेता है। नेक्स्ट डे वो दोनों कंपनी में आते हैं। वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी उन दोनों को पहचानता होगा। वो फिर अपने बॉस के पास उनको लेकर जाता है। बॉस का नाम था लिंडा और लिंडा उस इक्विलिब्रियम कोर्स की डेवलपर थी। उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। लिंडा उन्हें बताती है कि तुम लोगों के मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से अलग अलग रहने और सोचने की वजह से है। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये मैरिज वर्क करे तो तुम्हें मैरिज माइल्स को कंप्लीट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। मैरिज माइल्स एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की नीड्स फुलफिल करेंगे, दोनों को इसके लिए पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम कंपनी के ऐप में कलेक्ट होते हैं। कंपनी का मानना था कि अगर कोई कपल पॉइंट्स बढ़ाने पर ध्यान दे तो ऑटोमेटिकली उनका रिश्ता सुधर जाएगा। अगर बेन केली के लिए कुछ करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है तो बेन को पॉइंट्स मिलेंगे, अगर उसे दुखी करेगा तो उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। यही सेम चीज केली के साथ भी होगी। वो लिंडा से पूछता है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। लिंडा उन्हें कहती है कि हम तुम्हारे घर में कैमरेज लगाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें पता चलता रहेगा
तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हो। ये कैमरा सिर्फ तुम्हारे प्यार को डिटेक्ट करने के लिए होगा, तुम्हारी प्राइवेसी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इसके साथ ही उन्हें हाईटेक वॉचेस भी दिए जाएंगे, इसे वो डिटेक्ट करेंगे कि जब बेन और केली एक दूसरे के साथ है तो कितना हैप्पी फील कर रहे हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसे वो काउंट करने वाले थे, इससे उन्हें पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये सब बताने के बाद लिंडा को इसका प्राइस बताती है। ये प्राइस सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा था। केली डिसाइड करती है कि इस कोर्स को उन्हें नहीं लेना। बेन अगले इंस्टॉल में कहता है कि हमें एक कोर्स चाहिए, हमें हमारी रिलेशनशिप को फिर से जिंदा करना है, वो इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर इसे बाय कर लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ उन दोनों को वॉच दी जाती है। अब इनके मैरिज के सारे माइल्स इसमें काउंट हो गए। यहाँ से निकलने के बाद दोनों इस कोर्स के लिए पूरा एफर्ट्स देते हैं, एक दूसरे की केयर करने लगते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार वो जताने लग गए थे। स्लोली स्लोली एक दूसरे के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने लग गए, बहुत सारे रोमांटिक एक्ट्स और बातें करते हैं। केली की जो प्रॉब्लम थी कि जॉब से आने के बाद वो खाना नहीं बना सकती, बहुत थकी हुई होती है, तो एक काम बेन कर लेता है। केली भी बेन के लिए काफी प्रॉब्लम संभाल लेती है। इसके बाद दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लग गया था, दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। ये चीजें उनके बच्चे भी नोटिस करते हैं, ज्यादातर समय वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं। अब उनका प्यार बढ़ रहा था और उनके मैरिज माइल्स भी बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे थे। एक दिन जब केली जॉब पर जाती है तब वहां पर भी बेन के साथ किस करती है। ये उसकी फ्रेंड नोटिस करती है और उसने कहा कि क्या तुम भी वो कोर्स कर रही हो। केली इस पर हाँ कहती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये कोर्स सही नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप को एक जाल जैसा बना देता है, इसमें हस्बैंड वाइफ लव के स्लेव की तरह बन जाते हैं। लेकिन केली उसकी बात नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में हम बेन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। उसमें उन्हें बताता है कि उसने एक कोर्स लिया है, इस कोर्स के थ्रू उसे 1000 मैरिज माइल्स तक पहुंचना है जो कि आसान बात नहीं है। इसके लिए उसके फ्रेंड्स उसे अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं। यहाँ तीनों को कॉम्पिटिशन के लिए बाहर भी जाना था तो बेन को केली को मनाना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइल्स कम हो जाएंगे और इस चीज का जिम्मा बेन अपने ऊपर लेता है। दूसरी तरफ हम केली को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मरी के साथ थी। मरी अपने कोर्स को लेकर एक्सपीरियंस बताती है जो बहुत ही पॉजिटिव था। केली कहती है कि वो माइल्स बढ़ाने के लिए काफी अलग अलग तरह की चीजें करने वाली है। इसे सुनकर मरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर दोनों एंजॉय कर अपने घर चले जाते हैं। घर पर बेन केली के लिए खाना बना के रखता है ताकि वो खुश हो जाए और उसके माइल्स बढ़ जाए। ये बात उसे नहीं कहता कि सिर्फ माइल्स के लिए ये सब वो कर रहा है। बेन ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक हॉलीडे पर लेकर जाऊंगा, इसकी बुकिंग मैंने पहले ही कर रखी है। नेक्स्ट डे दोनों वैकेशन के लिए निकल जाते हैं, वहाँ जाकर अपने वैकेशन को एंजॉय करते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद केली अपने वॉच का नोटिफिकेशन बंद कर रखती है ताकि इस मूवमेंट को एंजॉय कर सके। पूरे दिन घूमने के बाद रात में जब वो सो रहे थे तब अचानक से आधी रात को बेन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसे कहता है क्या तुम्हारा प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इस पर बेन हाँ कहता है। उसे ये सब करने की वजह से काफी माइल्स मिल रहे हैं। ये सारी बात केली सुन लेती है। केली ने बेन से पहले ही पूछा था कि क्या ये सब हॉलीडे वगैरह प्लान करना ये सिर्फ माइल्स पाने के लिए वो कर रहा है, तो बेन ने इसके लिए मना किया था। पर अब केली को इसका एक्चुअल रीजन पता चल चुका था। जब ये सब केली ने रियलाइज किया तो जो काम बेन कर रहा था ये सब वो खुद करने लग जाती है, यानी कि बेन के लिए खाना बनाना। बेन उसके लिए जो भी हेल्प करता था वो सारे काम वो खुद कर लेती थी, घर साफ कर लेती थी, बेड बना लेती थी। और सर इसमें घर साफ करना बेड बनाना बहुत कुछ था। अब ये सब करने की वजह से उसके खुद के माइल्स बढ़ने लग जाते हैं। रात में जब दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे तो केली बेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हॉलीडे किस लिए प्लान किया था, तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कंपटीशन लगाई थी। केली ने आगे कहा कि मुझे भी इंडिया जाकर ताजमहल देखना है, मैं भी अब माइल्स कलेक्ट करना चाहती हूँ, अगर 1000 माइल्स कम्प्लीट हो जाते तो मुझे वो पैकेज मिल जाएगा। बेन भी केली से कहता है कि हम एक चैलेंज लगाते हैं किसके सबसे पहले माइल्स कम्प्लीट होते हैं। दोनों फिर इस कॉम्पिटिशन में लग गए। इस मूवमेंट से दोनों एक दूसरे को खुश करने के काम में लग गए थे। वो अपने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उन्हें अच्छे माइल्स मिले। दोनों घर के छोटे छोटे सब काम करते हैं, एक दूसरे को हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच में उन्हें ग्वेन के स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि ग्वेन एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो बहुत ही अच्छा पढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी सारी वीडियोस वो अपलोड कर रही है, इसमें वो आप दोनों के बारे में कुछ बता रही है। इसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें वो वीडियो दिखाई। इसमें ग्वेन सब लोगों से कह रही थी कि उसके मॉम और डैड हमेशा बस माइल्स बनाने के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये उसे जरा सेल्फिश लगता है, तो दोनों हमेशा बस वही काम करते हैं जिससे उसे माइल्स बढ़ सके, वो एक्चुअल में खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते। ये वीडियो देखने के बाद बेन और केली प्रिंसिपल के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। घर आकर केली ग्वेन से बात कहती है और उसे चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें ये सब वीडियोस बनाना बंद करना होगा। इस पर उल्टा ग्वेन उन पर गुस्सा हो गई थी, कहती है कि तुम दोनों अच्छे नहीं हो। इस बात
बात से केली को बहुत बुरा लगता है। ये सब होने के बाद भी वो दोनों अपने माइल्स कलेक्ट करना बंद नहीं करते। कुछ ना कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोचते ही रहते जिनसे उनके माइल्स कलेक्ट हो। अब उनके 1000 माइल्स ज्यादा दूर नहीं रहे थे। बेन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर प्लान बना रहा था कैसे वो केली को इतना खुश कर दे कि उसे मैक्सिमम माइल्स मिल जाए, और उसे एक आइडिया मिल जाता है। यहाँ पहले केली ने और एक प्लान बनाया हुआ था। एक रात बेन और केली घर पर थे, तभी उनके घर पर केली की एक फ्रेंड आती है। ये मरी की भी फ्रेंड थी। केली ने बेन को एक बार उससे मिलवाया था, उसका नाम क्रिस्टीना था। क्रिस्टीना उनके घर पर आती है और दोनों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगती है। कुछ ही टाइम में क्रिस्टीना बेन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बेन भी उसके साथ केली के सामने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। केली भी बेन के सामने उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज से बेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन केली को इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर केली सॉन्ग चलाती है, बेन और क्रिस्टीना को डांस करने के लिए अप्रोच करती है। बेन डांस करने से मना करता है क्योंकि क्रिस्टीना बार बार उसे फ्लर्ट कर रही थी। बेन के मना करने के बावजूद केली के फोर्स की वजह से उसे डांस करना पड़ता है। डांस के दौरान सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। इस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्रिस्टीना जानबूझकर बेन को काफी वाइन और अल्कोहल पिलाती है, इससे उसका कंट्रोल खो जाता है। वो दोनों बहुत करीब आ गए और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीधे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेन आराम से सोफे पर सो रहा था। उसकी बॉडी पर कपड़े निकले हुए थे, उस पर 2 टाइप के लिपस्टिक्स के निशान थे। इस बात से बेन को लग रहा था कि रात में वो क्रिस्टीना और केली दोनों के साथ सोया था। इस बात से उसे बहुत रिग्रेट होता है। बेन को फिर रियलाइज होता है कि शायद ये केली का प्लान था ताकि उसे ज्यादा माइल्स मिल सके। वो भागते हुए केली के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फैंटेसी के बारे में पता था कि मेरे साथ किसी और लड़की के साथ तुम इंटीमेट हो, इसी वजह से तुम्हारी फैंटेसी कम्प्लीट करने के लिए मैंने ये सब किया हुआ था। इससे केली को बहुत सारे माइल्स मिले थे। अब बेन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब वो अपने माइल्स कैसे बढ़ाएगा। बेन अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि उसका एक दोस्त एक नकली चोर बनकर गन लेकर केली के पास जाएगा। बेन वहाँ बीच में आकर केली को बचा लेगा और केली इस बात से खुश हो जाएगी। उसकी फैंटेसी बेन को एज ए हीरोइक फिगर देखने की थी, ये पूरी हो जाएगी, इससे उसे काफी सारे माइल्स मिलेंगे। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रात में बेन का फ्रेंड केली के पास जाता है। बेन भी पूरी तरीके से रेडी था। जब ये सब एग्जीक्यूट हो रहा था तो सब कुछ चीजें बिगड़ जाती है। उसका फ्रेंड थीफ बनकर केली के पास जाता है, लेकिन बेन तब वहाँ पर पहुंच नहीं पाता। एक ओल्ड लेडी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे रोड क्रॉस करवा रही थी, इसी वजह से बेन फंस गया था। केली उस थीफ के ऊपर पेपर स्प्रे मार देती है, इससे वो अपने आंखों को पकड़ कर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। बेन फिर वहां पर आ गया। केली उसे उस थीफ के बारे में बताती है। बेन फिर उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। बेन का फ्रेंड वहां पर पेपर स्प्रे के जलने से चिल्ला रहा था। बेन उससे माफी मांगता है। केली का पर्स लेकर वो केली के पास आ गया। इस बात से केली बहुत खुश हो जाती है। उनका प्लान फिर से सक्सेस हो गया था और बेन को इसके लिए बहुत सारे माइल्स मिलते हैं। अब केली के पास 920 माइल्स थे और बेन के पास 980। बेन के माइल्स अब बढ़ रहे थे। अब इक्विलिब्रियम कंपनी की एनिवर्सरी थी, सबसे ज्यादा माइल्स वाले कपल को गिफ्ट मिलने वाला था। इसके लिए केली और बेन को स्टेज पर बुलाया जाता है। केली को जब एक वेटर ड्रिंक देने के लिए गया तो समझ गई कि जिस चोर ने उस पर हमला किया था ये वही वेटर था। ये वेटर बेन का भी फ्रेंड है। इस बात से समझ जाती है कि बेन और इसने मिलकर ये सब प्लान किया था। इस सब बातों से केली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहां से गुस्से में ही जाने लग गई। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है। केली उसे कहती है कि उस दिन क्रिस्टीना उसके साथ नहीं सोई थी, उसने कभी भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था। वो कहती कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, और नाराज होकर वहां से चली गई। अब इसके बाद बेन से वो अलग रहने लग जाती है, लेकिन एंड में बेन केली को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर फाइनली वो भी उससे अलग रहने लग गया। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बेन अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है। केली ने भी एक बेकरी शॉप ओपन कर ली थी। दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। एक दिन रॉय के बास्केटबॉल का मैच था, वो एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थी इसे सॉर्ट आउट करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया था कि मैरिज में इस तरीके से वो पॉइंट्स काउंटिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में उन्हें जो फील होता है इस पर उन्हें एफर्ट्स लेने चाहिए। इस तरीके से किसी कैलकुलेटेड मेथड से अपने मैरिज को सेव नहीं कर सकते, बस अपनी फीलिंग से कर सकते हैं। एंड में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब फिर से वो एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।